गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट लेसन ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच इन पिक्चर इन पिक्चर यू कैन सी ए रेसलर देर वॉज वंस रेसलर कार्ल विजय सिंह एक बार विजय सिंह नाम का एक पहलवान था ए मैन विद मैसिव शोल्डर एंड मास्कुलर आर्म एक लंबा व्यक्ति जिसकी शक्तिशाली भुजाएं और मांसपेशियों से भरी कंधे थे ही टॉवर्ड आवार एजेंट और वह दूसरे पहलवानों पर एक दानों की तरह मंडराता रहता था विजय सिंह पीपल सैड लोग कहते हैं कि विजय सिंह वाज ए बोर्न रेसलर एक ही पहलवान है एंड कुड बिट ऑल अदर रेसलर इन द वर्ल्ड और संसार में सभी पहलवानों को हरा सकता है दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग परंतु इस पहलवान की केवल एक कमी है लैंडेड इन सिचुएशन, जो हमेशा उसे मुश्किल की परिस्थितियों में डाल देती है और वो कमी क्या थी? ही वॉज फोन ऑफ बोस्टिंग वह शेख ही भगाड़ने का शौकीन है यानी अपनी बढ़ाई करने का शौकीन है वन वनडे एक दिन ही वाज सीटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय द सेवरल यंग मैन एक बार वह बाज़ार में अनेक युवा व्यक्तियों के बीच घिरा हुआ बैठा था आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क दूध के अनेक ग्लास पीने के पश्चात ही सडनली प्रोक्लेम्ड उसने अचानक घोषणा कर दी Why are people afraid of घोस्ट I am not. लोग भूतों से क्यों डरते हैं मैं तो नहीं डरता I wish I met a ghost. I would teach him a lesson. मेरी इच्छा है कि काश मुझे मेरी एक भूत से मुलाकात हो जाए और उसे एक सबक सिखाऊं। I think it is just a fairy tale. मैं तो इसे केवल एक के परियों की कहानी की तरह मानता हूँ कुछ लोग कहते हैं इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हांटेड डेजर्ट यदि तुम भूतों वाले मरुस्थल में रात को अकेले चलो यू आर श्योर टू मीट ए घोस्ट तुम्हें निश्चित रूप से एक भूत मिल जाएगा दे रोम दे फ्रीली वे वह स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं स्ट्रेंज सिक एंड मोन्स कैन बी हीड ऑल ओवर द प्लेस और उस पूरे स्थान पर कराने और चीखने की आवाज़ सुनी जा सकती है ओ नो इट इज़ ट्रू अरे नहीं ये सच है दिस प्लेस इज टेन माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर या जैसलमेर की सड़क पर दस मील पश्चिम की तरफ है द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक लाइक द हेड ऑफ ए कैमल और उस पर एक भद्दे से काले पत्थर का निशान बनाया गया है जो एक ऊंट के सर जैसा दिखाई देता है बियॉन्ड दैट स्केत देर इज नथिंग वहाँ कुछ नहीं है बट सैंड एंड विल्डरनेस केवल रेत और सुनापन है एंड ऑफकोर्स घोस्ट और सच मूजबूत भी ट्रैवलर हैव बीन लूटेड एंड किल्ड वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर वहाँ पर यात्रियों को लूटा जाता और मारा जाता है क्या तुम वास्तव में वहाँ जाना चाहते हो यस आई हैव ही ऑफ द हंटेड डेजर्ट हाँ मैंने भी उन भूतों वाले स्थान को के बारे में सुना है वाई डिड विजय सिंह हैव टू बोस्ट विजय सिंह इस प्रकार की सेखी क्यों भगाड़ता था हिज माइटी हार्ट डिड मिस ए बिट और टू वाई डिड विजय सिंह हैव टू बोस्ट विजय सिंह ने ऐसी सेखी क्यों भग ऐसी बढ़ाई क्यों की इज माइटी हार्ट उसका शक्तिशाली ने हृदय ने मिस ए बिट और टू एक या दो धड़कन छोड़ दी बट नावर्थलैस परंतु फिर भी टुक अप द चैलेंज नॉन चैलेंजली अनिच्छा दिखाते हुए उसने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया ऑलमोस्ट ऑल द इंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बाइड फेयरवेल टू विजय सिंह लगभग पूरा गाँव उस दिन विजय सिंह को अलविदा कहने के लिए बाहर निकल आया वो वॉज रेडी टू सेट आउट द वेस्ट। जो विजय सिंह पश्चिम पश्चिम की तरफ जाने के लिए तैयार था जस्ट दैन तभी एन ओल्ड वूमेन केम फॉरवर्ड एक बुढ़ी औरत आगे आई एंड थर्स्ट स्मॉल पैकेट इन टू हैंड और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा दिया एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट और विजय सिंह ने मरुस्थल में लाल होते सूर्यास्त की तरफ चलना शुरू कर दिया एज ही वॉक और जब वो चल रहा था द नाइट डिपेंड रात गहरी होती गई द मून वाज ब्राइट चंद्रमा चमकीला था एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई और तारों को राजस्थान के साफ आसमान में देखा जा सकता था स्टील ए फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ इज डेस्टिनेशन उसकी मंजिल से कुछ ही मील दूर विजय सिंह रिमेंबर्ड विजय सिंह को याद आया द ओल्ड वोमैन्स पैकेट उस बूढ़ी औरत का वो पैकेट ही ओपन इट और उसने उसे खोला एंड फाउंड नथिंग बट ए लंप ऑफ साल्ट एंड एन एग और उसके अंदर एक नमक की डली और अंडे के सिवाय कुछ नहीं मिला द ओल्ड मैन वॉज वेल नोन फॉर हर इंसेंट्रिक और बुढ़ी औरत अपने सन की स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी एज विजय सिंह स्टैप्ड इन टू द हंटेड डेजर्ट और जब विजय सिंह ने मुरुस्थली उस भूतों वाले मरुस्थल में कदम रखा ही हैड स्ट्रेंज ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन वॉइस उसने एक विचित्र अमानवीय आवाज सुनी विजय सिंह विजय सिंह यू विल गेट लोस्ट इन द डेजर्ट विजय सिंह विजय सिंह तुम मस्तुल में गुम हो गए हो कम दिसवे इस रस्ते से आ जाओ आई एम योअर फ्रेंड नटवर मैं तुम्हारा मित्र नटवर हूँ वेयर आर यू तुम कहाँ हो माई डी एर नटवर मेरे प्रिय नटवर यह विजय सिंह कहता है इट्स डार्क अब अंधेरा हो गया है एंड आई कांट सी यू और मैं तुम्हें देख नहीं सकता कम हेयर यहाँ आ जाओ एंड शो मी द वे और मुझे रास्ता दिखाओ एट वंस विजय सिंह रिलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए घोस्ट और तुरंत ही विजय सिंह को यह एहसास हुआ कि यह उसका मित्र नहीं बल्कि एक भूत है लाइक आल गुड्स रेस्लर सभी अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनमी विजय सिंह भी अपने शत्रु को पकड़ना चाहता था सो वैन ही स्पोक टू घोस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू साउंड ब्रेव और जब वह भूत से बोला उसने बहादुर होने का अपना सबसे अच्छा प्रयत्न किया यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट एनी वे नव आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू तुम तो केवल एक सीधे साधे भूत हो फिर भी छोड़ो मुझे अब सारी रात भटकना नहीं पड़ेगा मैं तुमसे मिलने की मेरी तुमसे मिलने की इच्छा थी रियली सचमुच आई डोंट नो वाई यू लोंग टू मिट मी मैं नहीं जानता कि तुम्हारी मुझसे मिलने की इच्छा क्यों थी घोस्ट वॉज टेकन अ बैक घोस्ट थोड़ा पीछे हट गया भूत थोड़ा पीछे हट गया पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन ओनर होरर वैन दे मिट हिम लोग प्राय जब भूत मिलते हैं पीछे हट, हटना शुरू कर देते हैं बट हेयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट ए घोस्ट परंतु यहाँ पर तो एक अभावना रहित प्राणी ये दावा कर रहा है कि वह एक भूत से मिलना चाहता है टू हिम उससे मिलना चाहता है दैट प्रूव दैट यू आर ए स्टूपिड घोष्ट इससे सिद्ध होता है कि तुम एक मूर्ख भूत हो दिस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड ए मैं थॉट कम से कम एक भूत एक व्यक्ति के विचारों को तो जान ही सकता है हाउ एवर फिर भी ये रेस वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। तुम्हारे जैसे बेकार भूत से तो अच्छा हो कि कोई भूत ही ना हो द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेस्लिंग विद मैन सच्चाई ये कि मैं पुरुषों के साथ कुश्ती करके थक चुका हूँ आई वॉन्ट टू फाइट ए घोस्ट मैं एक भूत से कुश्ती करना चाहता हूँ द घोस्ट वॉज स्पीचलेस भूत अवाक रह गया उसकी जुबान बंद हो गई मार्सलिंग हीज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटैम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉन इन द आई आल्सो ट्राइंग टू साउंड ब्रेव मार्सलिंग हीज घोस्टली विट्स अपनी भूतों वाली बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए ही मेड एन अटैम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉनफुली इन द आइज उसने विजय सिंह की आंखों में बड़ी नफरत के साथ देखने की एक कोशिश की आल्सो ट्राइंग टू साउंड ब्रेव और बहादुर बनने की भी कोशिश की फ्रैंकली यू डोंट अपियर ऑल दैट स्ट्रोंग टू मी तुम मेरे से शक्तिशाली तो दिखाई नहीं देते अपियरेंस कैन बी डिसिप्टिव यू फूल मूर्ख दिखावा कभी कभी धोखा दे जाता है यानि जो दिखता है वो निकलता नहीं टेक यूअर वोन केस अब तुम्हारा ही मामला लीजिए यू क्लेम टू बी नटवर तुम अपने आप को नटवर होने का दावा कर रहे थे दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ घोस्ट परंतु वास्तव में तुम एक दुष्ट भूत हो इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ यदि तुम्हें मेरी ताकत पर संदेह है लेट मी गिव यू ए डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट आम मैं मेरी ताकत का तुम्हारे सामने एक प्रदर्शन करता हूँ विजय सिंह अप पे पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैन विजय सिंह ने रेत के अंदर से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया एंड इट टू द गोस्ट और उसे भूत को दिया टेक दिसी से लो एंड स्क्वीज़ इट हार्ड और इसे सख्ती से भींच दो इट इज फिल्ड विद फ्लूड इसके अंदर फ्लूड तरल पदार्थ भरा है सी फॉर योर सेल्फ तुम स्वयं से ही देख लो इफ आई एम रॉन्ग यदि मैं गलत कहता हूँ वाइल्ड द गोस्ट टाइट टू स्क्वीज़ द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड जब भूत ने एक हाथ से उस पत्थर को बीचने का प्रयत्न किया दैन विद बोथ फिर दोनों हाथों से बेचने का प्रयत्न किया विजय सिंह स्टी टुक आउट द एग फ्रॉम हिस्स पॉकेट विजय सिंह ने चुपके से अपने जेब से अंडा बाहर निकाल लिया एंड देन ही स्नैस द रॉक फ्रॉम द गोश्त और तब उसने पत्थर को भूत से छीन लिया एंड प्लेसड इट बिटवीन बोथ हैंड और उसे अपने दोनों हाथों में रखा एंड स्क्चड और उसे भींच दिया एट वंस द येलो योक ऊज्ड फ्राम द ऊज फ्राम अराउंड हीज फिंगर और अचानक ही उसकी उंगलियों के चारों उसकी उंगलियों में से चारों तरफ से नीले पीले रंग की जर्दी बाहर निकलने लगी एंड क्रैकिंग ऑफ एग सेल और अंडे के खोल के टूटने की कर कर की आवाज हुई क्रिएटेड द एल्यूजन ऑफ द स्टोन बींग क्रस्ट और ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे मानो अंडे को कुछ पत्थर को कुचला गया हो द घोस्ट वाज सो स्टोनिस्ट और इस पर बहुत बड़ा हैरान हो गया डिड इन नोटिस विजय सिंह डिस्पोजिंग ऑफ द टैल तेल, तेल सेल उसने विजय सिंह के द्वारा उस टूटी हुई अंडे के खोल को छुपाते हुए नहीं देखा ही दैन अप एनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट और तब उसने भूत को एक दूसरा पत्थर तब उसने एक दूसरा पत्थर उठाया और उसे भूत को दे दिया विदाउट ए वर्ड द घोस्ट टू किट बगैर एक भी शब्द बोले भूत ने उसे ले लिया फैल्टिटी से महसूस किया एंड पीयड एटीट और उसको एट तरफ घूर कर देखा दिस इज ओनली स्टोन यह तो केवल एक पत्थर है एंड anyway, एनीमे और फिर भी इट इज़ टू डार्क टू सी अब इतना अंधेरा हो गया कि दिखाई नहीं देता नेवर हीय ऑफ ए गोश्त हु कैन नोट सी इन द डार्क मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि कोई भूत अंधेरे में देख नहीं सकता द स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन साल्ट क्रम्बल इट एंड सी पत्थर जो तुम लिए हुए हो, इसके अंदर नमक है इसे कुचलो और देखो विजय सिंह स्क्रेटली टुक आउट द लंप ऑफ साल्ट विजय सिंह ने चुपके से नमक की डली निकाल ली आई कैन सी मैं देख सकता हूं दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्थी ओपोनेंट कि तुम एक योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हो अगेन द गोस टाइट टू क्रश द स्टोन दोबारा भूत ने उस पत्थर को कुचलने का प्रयत्न किया बट इन वेन परंतु सब कुछ बेकार गया सो ही इट अवर टू द विजय सिंह इसलिए उसने दोबारा उसे विजय सिंह के हाथ में दे दिया ही वॉज नाउ बिगिनिंग टू सीरियसली डाउट हीज गोस्टली पावर अब भूत को वास्तव में अपनी भूतों वाली ताकत पर संदेह होना शुरू हो गया था वाट्स द यूज़ ऑफ रैसलिंग विद विकलिंग हुम आई कैन फ्लोर ए इन एम्ट अब इस प्रकार के कमज़ोर व्यक्ति से कमज़ोर बूथ से लड़ने का क्या फ़ायदा जिसे मैं एक मिनट में धूल चटा सकता हूँ सो सेइंग विजय सिंह काजवली क्रम्बल द लंप ऑफ साल्ट और ऐसा कहते हुए विजय सिंह ने सामान्यतः उस नमक के डली को रगड़ा एंड लाइट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस और पत्थर को अंधेरे में गिरा दिया ही एल्ड आउट इज़ हैंड एंड कमांडेड द गोश्त टू टेस्ट द पाउडर स्टोन उसने अपने हाथ भूत की तरफ बढ़ाई और भूत को उस पत्थर के पाउडर को चखने के लिए कहा मेमराइज विद द पहलवान एक्स्ट्रोनिक स्ट्रेंथ पहलवान की उस अद्भुत ताकत से वसीबत होकर एंड अलार्म और डर कर शोट थ्रू हिम जो मैसमेराइज विद द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ एंड अलार्म शोर्ट थ्रू हिम पहलवान की उस अद्भुत ताकत से वह डर गया और वंशीभूत हो गया फ्रेंड विजय सिंह इट इज ए ऑनर टू मीट ए मैन लाइक यू अब वो कहते हैं भूत मित्र विजय सिंह तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिलकर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है आई एडमिट डिफिट मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ बट वेयर विल यू गो टू नाइट परंतु आज की रात तुम कहाँ जाओगे रेस्ट इन माई हाउस मेरे घर में विश्राम करो यू कैन लिव टू मारो तुम कल जा सकते हो आई कॉन्ट रिफ्यूज़ यूर हॉस्पिटलिटी मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी को स्वीकार नहीं कर सकता बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर परंतु कल तुम्हें मेरे बंधक मेरा बंधक बनकर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल मैं अपनी विजय की इस ट्रॉफी को अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट भूत उस सहमति से नीचे झुका एंड साइलेंटली वो टू किल विजय सिंह और चुपके से विजय सिंह को मारने की कसम खाई एंड लैड हीम टू हिज हाउस इन द केव और गुफा के अंदर अपने घर उसे ले गया दिस मैन कुड इजली वैंक्यूसमी इन रेस्लिंग बॉट इन द डार्क यह व्यक्ति अंधेरे में कुश्ती के युद्ध में मुझे आसानी से हरा सकता है बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिकड इन अदर वे परंतु शायद उसे दूसरे तरीकों से उलझाया जा सकता है द गोश्त फैड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड ऑफ मिल्क बूथ ने उसे बहुत से सूखे मेवे और दूध पिलाया एंड लेटर और बाद में लैड हिम टू द लग्जरीस बैड टू स्लीप ऑन और अपने ठाट बाट ऐश्वर्यपूर्ण बिस्तर पर सुलाने के लिए ले गया कंप्लीट विद पिलोज एंड ब्लोस्टर जो पूर्ण रूप से तकियों और मकसूदों से भरा था बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर ऑफ द घोस्ट परंतु विजय सिंह जागता हुआ भूत के खराटों को सुन रहा था इन द मिडल ऑफ द नाइट आधी रात के समय ही स्लिप्ड ऑफ हिज बैड वह अपने बिस्तर से खिसक गया ही देन प्लेस दे बॉलस्टर इन द सेंटर ऑफ द बैड और तब उसने बिस्तर के बीच में एक मकसूद रखा थ्रोविंग अवर इ टेक कवरलाइट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन और उसके ऊपर एक चादर ढक दी ताकि ताकि यह सोते हुए वे व्यक्ति की तरह लगे एंड हैविंग डन दिस ही क्रस्ड वॉचिंग इन ए डार्क कॉर्नर और ऐसा करने के पश्चात वह दुबक कर एक अंधेरे कोने में बैठ गया श्योर sure इनफ निश्चित रूप से जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन जब सूर्य निकलने ही वाला था यानी सूर्य निकलने से पहले दिन निकलने से पहले द दोस्ट अप्रोच द बैड आर्म विद द स्टोर्ट क्लब भूत एक शक्तिशाली क्लब लेकर क्लब होता है कुत् लेकर वह बिस्तर के पास पहुंचा एंड ब्रोट द क्लब डाउन ऑन वट ही थॉट वाज विजय सिंह हैड और जोर से उस ठ को उस कुत्ते को वहां नीचे लेकर आया जहां वह समझता था कि विजय सिंह का सिर है नोट हीरिंग इवन ए ग्राउंड उसे एक कराहट भी नहीं सुनी ही स्माइल्ड व मुस्कुराया प्लीज दैट ही और खुश हुआ दैट कि ही हैड किल्ड हिज एनमी कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है एंड जस्ट टू मेक डबली श्योर और तब पूर्ण रूप से दोबारा आश्वस्त होने के लिए ही द दॉलस्टर सिक्स टाइम और उसने उस बॉलस्टर को उस कुत्ते को छह बार और मारा सेटिस्फाइड विद हिज वर्क का अपने काम से संतुष्ट होकर ही रिटर्न टू हिज कोच वह अपने बिस्तर पर लौट गया एंड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन और दोबारा सोने के लिए सेट हो गया मीन इसी बीच में विजय सिंह क्रैप साइलेंटली बैक इन टू द बैग धीरे से चुपके चुपके रैंक कर विजय सिंह अपने बिस्तर पर वापस आ गया आफ्टर ए पाउल थोड़ी देर बाद ही ग्रॉन वह कराया एज इफ इन डिस्गस्ट मानो निराशा में थ्रिय बैक हिज कवलेट अपनी चादर फेंक दी एंड सेटअप और खड़ा हो गया फ्रेंड मित्र भूत देर आर इन्ट इन यूर केव तुम्हारी गुफा में कीड़े मकोड़े हैं हेयर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स मैंने सालों में यहाँ पर बड़ी मधुर नींद के आनंद ले रहा था एंड देयर कम द इंसेक्ट टू ट्रबल मी और यहाँ कीड़ों ने आकर मुझे परेशान कर दिया डिस्टिटली काउंटेड सेवन फ्लैपिंग ऑफ इट्स वीइंग अपकोर्स इट हैज़ नोट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग डिस्टिंगली आई डिस्टिंक्टली काउंटेड मैंने स्पष्ट रूप से गिना है सेवन फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग कि उसने अपने पंखों को सात बार यहाँ पर फड़फड़ाया है अपकोर्स वास्तव में इट हैज़ हाँ नोट बिटन मी वास्तव में इसने मुझे काटा नहीं बिट इट बट इट इज मोस्ट नॉइंग परंतु इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया

यह देखा कि वह स्ट्रॉन्ग मैन वह शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बाजुओं को फैला रहा था अब वो ही जैड उसके सिर के ऊपर एंड यानिंग और जबाई ले रहा था फॉर ए मोमेंट एक अक्षण के लिए द घोष्त भूत जड़वंत हो गया विद शोक सदमे से एंड देन ही पैनिक्ड और फिर वो डर गया दो सेवन ब्लोज वुड हैव रेड्यूस्ड एनी अदर मैन टू प्लम्प वो सात प्रहार किसी भी व्यक्ति को ढेर कर सकते थे देर इज नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेस्लर लाइक दिस इस प्रकार के विजेता फॉर्मिडेबल हो जिसको हराया न जा सके अपराजय पहलवान के पास रहना सुरक्षित नहीं है ही थोट उसने सोचा एंड फ्लैट फ्रॉम द केव और गुफा से भाग गया लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ अपनी बुरी तरीके से कमाई गई सारी संपत्ति को छोड़कर इट टुक सैवरल कैमल फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वाड विजय सिंह ने जो संपत्ति प्राप्त की थी उसको गांव तक ले जाने में बहुत से ऊंटों की आवश्यकता पड़ी इट रिटर्न मच ऑफ इट राइट फुल ऑनर उसने अधिकतर उस संपत्ति को उसके सही मालिकों को लौटा दिया ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वूमैन वह विशेष रूप से उस बुढ़ी औरत के पास गया थैंक फॉर हर इनवैल्युएबल गिफ्ट और उसके अमूल्य उन उपहारों के, के लिए उसका धन्यवाद किया एंड आस्ट फॉर हर ग्रैंड डॉटर हैड इन मैरिज और उसकी पोती का हाथ शादी के लिए मांग लिया डैंस फॉर्थ विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग उसके पश्चात विजय सिंह सेखी बगाड़ने में बहुत अधिक सावधान रहने लगा एंड इट इज आल्सो सैड दैट और ऐसा भी कहा जाता है कि नो ट्रैवलर वाज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हाउटी डेजर्ट कि भूतों वाले मनुस्थल में उसके पश्चात कोई भी यात्री परेशान नहीं हुआ थैंक यू